आगे चला जाए, जो टॉपिक है एटीट्यूड। मनोवृत्ति या अभिवृत्ति तो इसमें जो है यह है काफी बड़ा टॉपिक, इसमें बहुत सारा चीज पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले तो अर्थ पढ़ा जाए, फिर इसका जो है विशेषता पढ़ा जाए, पहले इसका बेसिक पढ़ लिया जाए, और इसके जो घटक हैं घटक को पढ़ा जाए। पहले घटक ही पढ़ाता हूँ तभी विशेषता जल्दी समझ में आएगा। घटक, फिर संबंध, संबंध, फिर इसके बाद विशेषता, फिर इसके बाद विभिन्न प्रत्ययों से तुलना, विभिन्न प्रत्ययों से तुलना, इसके बाद जो है एटीट्यूड का कार्य, एटीट्यूड का कार्य, अब लिख महत्व, फिर थोड़ा सा यहाँ पर समस्या भी लिखवा देंगे कि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें 3-4 दिन आराम से लगता है। देखिए विभिन्न प्रत्ययों से तुलना का मतलब कि जैसे मान लीजिए मिलता जुलता जो टर्म है, जैसे कुछ एग्जांपल लिखवा दूं, विभिन्न प्रत्ययों से तुलना में जो है जैसे मान लीजिए मनोवृत्ति और मूल्य है, लिख दीजिए अपने समझने के लिए, जैसे मनोवृत्ति वर्सेस मूल्य, कि मूल्य और मनोवृत्ति में क्या अंतर है, जैसे मनोवृत्ति और ओपिनियन मत में क्या अंतर है, मनोवृत्ति वर्सेस मत में क्या अंतर है, जैसे मान लीजिए एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या अंतर है, मनोवृत्ति और अभिक्षमता में क्या अंतर है, अभिक्षमता में क्या अंतर है। मान लीजिए हम लोग कहते हैं विश्वास करिए, तो मनोवृत्ति और विश्वास में क्या अंतर है, मनोवृत्ति वर्सेस विश्वास, ऐसे 50-50 वर्ड के प्रश्न आते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट, तो एटीट्यूड और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, रुचि, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो फिर इसमें पहले इतना पढ़ लिया जाए, फिर जो बचेगा देखिए, जो ऐसे समझिए कि व्यक्ति के मन की स्थिति, एक कह सकते हैं कि व्यक्ति के मन का मनोदशा, जिसके कारण व्यक्ति जो है कोई घटना है, कोई विचार है, उसके प्रति कोई भाव प्रकट करता है, कह सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक दशा है, जिसके कारण व्यक्ति जो है किसी विषय के प्रति जो है नकारात्मक या सकारात्मक भाव प्रस्तुत करता है। जैसे मान लीजिए कितने लोग हैं क्रिकेट के प्रति उनका जो एटीट्यूड है वो सकारात्मक है, जैसे मान लीजिए कोई मैच आ रहा है तो देखिए मोबाइल पर भी लगा के देखते रहेंगे, गाड़ी भी चला रहे हैं मोबाइल पर देख भी रहे हैं मैच, ऐसे दीवाने लोग मिल जाएंगे। और कितने लोग हैं मान लीजिए मैच आता भी रहेगा बंद कर दो समाचार लगा दो, तो ये उनकी गलती नहीं है, वो उनके एटीट्यूड का गलती है। तो व्यक्तियों द्वारा जो है जो सामाजिक वातावरण है, सामाजिक जो पहलू है, उसके प्रति जो है व्यक्ति कह सकते हैं कि क्या जो है फीलिंग रखता है, क्या उसका नॉलेज है, क्या उसका बिहेवियर है, इससे जो है देखा जाए तो मनोवृत्ति बनता है। तो यहां पर जो है ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति, पहले इसको समझाता हूं,
पहले उदाहरण देता हूँ, हम लोग के गीता में सब कुछ लिखा हुआ है। आपको ध्यान होगा कि गीता में जो है ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों चीज का उल्लेख है। तो गीता में जो हम लोग पढ़ते हैं गीता को, जितनी बार आप गीता पढ़ लीजिए आपको नया ही समझ में आएगा। मैं भी 2-3 बार पढ़ लिया, अब प्रयास करता हूँ कि अब तो समझ लिया कुछ, फिर लगता है कि अरे ये तो चीज़ हमको ध्यान ही नहीं रहा, ये भी लिखा है। तो गीता में जितना सोच सकते हैं सब लिखा है। भाई हमें कहते हैं, जैसे मान लीजिए सबों करिए, शंकराचार्य चाहे रामानुज चाहे माधवाचार्य, तो एक ही मार्ग जो है मोक्ष प्राप्त करने का थोड़ी ना है। मोक्ष प्राप्त करने के अलग अलग मार्ग हैं, कोई भी मार्ग खराब नहीं है। तो गीता में देखा जाए तो इन्हीं तीनों मार्गों का तो उल्लेख किया गया है। गीता में कहा गया है ज्ञान, भक्ति और कर्म। तो ज्ञान और भक्ति कर्म की जो बात की गई है, तो आप देखते हैं कि जैसे ज्ञान मतलब नॉलेज, कि नॉलेज आपका कैसा है। भक्ति का मतलब यहां पर होता है भाव आपका कैसा है, फीलिंग कैसा है। कर्म का मतलब हुआ कि आपका व्यवहार कैसा है, बिहेवियर कैसा है। तो आप देख रहे हैं इसी चीज को हम लोग जो है मनोविज्ञान में कैब थ्योरी कहते हैं। है यही चीज कि गीता में कहा गया है कि यदि आपका फीलिंग भी सही होना चाहिए, आपका ज्ञान भी सही होना चाहिए, आपका कर्म भी सही होना चाहिए, यदि तीनों चीज ठीक है तो फिर आपको जीवन में कोई समस्या नहीं आ सकता है। तो यहां पर देखा जाए इन्हीं तीनों चीजों से मिलाकर जो है एटीट्यूड बनता है। और उसी एटीट्यूड में जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई, जैसे ऐसे समझिए कि जब हम लोग नॉलेज की बात करते हैं तो इसी नॉलेज को जो है कॉग्निटिव कह दिया जाता है। जो मनोविज्ञान है उसमें हम लोग कहते हैं संज्ञान, कि आपका संज्ञान कैसा है, ज्ञान कैसा है, आपका बोध कैसा है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट आपका कैसा है। भक्ति का मतलब यहां पर यह हुआ एफेक्टिव कंपोनेंट कैसा है, एफेक्टिव कंपोनेंट कैसा है। एफेक्टिव का मतलब भावात्मक पक्ष कैसा है, भावात्मक पक्ष कैसा है। लोटा डोरी संभालिए। तो भावात्मक पक्ष कैसा है। और व्यवहार का मतलब होता है कि बिहेवियर कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है। इन तीनों चीजों से मिलाकर बनता है एटीट्यूड। इन्हीं तीनों चीजों से मिलाकर जो है मन की स्थिति बनती है। अब एक बनता कैसे है थोड़ा सा पहले बताता हूं, तब लिखिएगा। देखिए ये जो हमने लिखा ये ज्ञान है, ज्ञान का मतलब यहां पर ये होता है कि आपको किसी चीज के बारे में, जैसे मान लीजिए कोई घटना है, कोई विषय वस्तु है, उसके बारे में आपका ज्ञान कैसा है, उसी के हिसाब से ही आपका कुछ विश्वास बनेगा। जैसे पर्यावरण के प्रति एग्जाम्पल भी लेता रहता हूँ, जैसे पर्यावरण के प्रति कुछ जो है मान लीजिए सकारात्मक मनोवृत्ति है, पर्यावरण के प्रति हमारा झुकाव है, तो ऐसी दिशा में जो है हम देखा जाए तो उससे संबंधित सूचना जो है प्राप्त करते रहते हैं या उसके प्रति संवेदना रखते हैं। ये तो हमारे संज्ञान, जैसे मान लीजिए हमारे पास ज्ञान कैसा है उसके आधार पर। अभी कुछ लिखिएगा मत, क्योंकि पहले मैं कुछ बोलूंगा तभी वो जहन में जाएगा, लिख रहे उस किताब में लिखा ही है। संज्ञान और बोध का मतलब हुआ किसी चीज के बारे में आपका ज्ञान कैसा है, उसी से विश्वास बनेगा। जिसमें बताया कि पर्यावरण के संदर्भ में हमारी सकारात्मक मनोवृत्ति कब बनेगी, जब हमको पर्यावरण के बारे में जो है अच्छा ज्ञान हो, अच्छी सूचना हो, तभी तो हम लोग जो है उसके बारे में कुछ सोच पाएंगे। यहां भाव का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हम क्या फील कर रहे हैं। भाव का मतलब होता है पसंद और नापसंद। जैसे मान लीजिए
कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो मान लीजिए उसको जाति धर्म से मतलब नहीं है, आप हिंदू हैं कि मुस्लिम में कोई लेना देना नहीं, तो ऐसी दशा में वो व्यक्ति जिससे मान लीजिए उसके मन में भाव है कि सब लोग मनुष्य हैं, अरे कोई गोरा हो गया, कोई काला हो गया, कोई हिंदू पैदा हुआ, कोई मुस्लिम पैदा हुआ, हैं तो सब लोग एक ही, कोई छोटा है कोई बड़ा है, क्या दिक्कत है, सबको भगवान ने अलग अलग बनाया है, वो भी व्यक्ति अच्छा है, हम भी अच्छे, वो भी अच्छे, सब अच्छे है, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। हर व्यक्ति को भगवान ने यूनिक तरीके से बनाया है, कोई देखिए छोटा व्यक्ति होता है, कोई इतना मोटा व्यक्ति होता है। अब किसी व्यक्ति को बोलेंगे कि वो खराब है, खराब नहीं है, सब प्रकृति ने ऐसा बना रखा है, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप ऐसा भाव रखेंगे तो इसका मतलब है कि आपको जो है दूसरे, यदि आप जाति के प्रति मान लीजिए सब करिए, आपके मन में भरा हुआ है दूसरे जात का व्यक्ति है तो आप नकारात्मक भाव रखेंगे, आपका फीलिंग कैसा हो रहा है। जैसे मान लीजिए कितने लोग हैं पश्चिमी संस्कृति के प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं, कितने लोग मिल जाएंगे, कोई व्यक्ति जींस पहनेगा गांव में मान लीजिए टोका टिप्पणी शुरू कर देंगे, क्योंकि वो पहले से उनके मन में भरा हुआ है, उनका भाव नकारात्मक है उसके प्रति। आइए बताइए कि जैसा ज्ञान होगा, जैसा भाव होगा, उसी तरह से वो व्यवहार करेगा। जैसा ज्ञान होगा, जैसा भाव होगा, उसी तरह से वो व्यवहार करेगा। इसका मतलब क्रिया करने, प्रतिक्रिया करने। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल बताता हूं, किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो है मान लीजिए गाना सुनने के लिए उसका जो फीलिंग है वो सकारात्मक है। जैसे मान लीजिए गाना सुनने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया गाना सुनना, अब इसके प्रति जो फीलिंग है ये फीलिंग पॉजिटिव है। मान लीजिए गाना सुनना तो उसके जो संज्ञान है, उसका जो विश्वास है, उसके पास जो भी ज्ञान है वो भी सकारात्मक है, उसका विश्वास है ठीक है, गाना उना सुनने से ठीक रहता है थोड़ा व्यक्ति जो है। तो मान लीजिए सपोज करिए कि गाना सुनने के संदर्भ में उसका जो कॉग्निटिव जो फैक्टर है, अभी सब लिखवा दूंगा, कॉग्निटिव जो फैक्टर है वो भी पॉजिटिव है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो व्यक्ति क्या, मान लीजिए सब करिए वह व्यक्ति जो मैं कह रहा हूं कि वह व्यक्ति सुबह जो है सुबह 8 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक ड्यूटी कर रहा है, उस व्यक्ति का बहुत हैट्रिक शेड्यूल है, तो क्या वह व्यक्ति गाना सुनता होगा? नहीं। देखिए गाना वह अवश्य सुनता होगा चाहे जितना बिजी हो, क्योंकि यदि उसका जो है कॉग्निटिव फैक्टर पॉजिटिव है, इफेक्टिव उसका फैक्टर कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो उसका कार्य भी पॉजिटिव अवश्य होगा, समय निकालकर 2-4 गाना वो अवश्य सुन लेता होगा। उसको पूछेंगे तो आपको लगेगा हाँ गाना वो सुनता तो है, गाड़ी चलाते समय सुनता है, कहीं बैठते समय सुनता है, कभी रात में जो है सोते समय भी सुन लेता है, सुनता तो होगा। अब मान लीजिए यही तो हम लोग करते हैं भाई, आपको हम लोग क्या करते, कुछ पढ़ाते थोड़े ना, वो तो सब किताब में लिखा ही है। हम लोग तो पढ़ाने का ऐसा तरीका करते हैं जिससे आपकी फीलिंग सकारात्मक हो जाए, कि आप जो है ये समझे कि नहीं भाई अब हमको कॉन्फिडेंस आ गया, मैं अब लिख डालूंगा, बस उसके बाद जो है जो आपका सिलेबस है, जो ज्ञान है, वो हम लोग करा देते हैं, और उसके बाद तो आप बन ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यदि हमने जो है ठीक ढंग से आपको पढ़ा दिया, आप बता दिया कि पोल्ट्री में क्या रखा है, इथिक्स में क्या रखा है, लिखिए प्रैक्टिस करिए, सब सही हो जाएगा, आपका विश्वास हो गया कि नहीं सब सही हो गया, तो हमने ज्ञान पॉजिटिव कर दिया, हमने कॉग्निटिव फैक्टर जो है पॉजिटिव कर दिया, किसी तरह से कर दिया, और फिर इसके बाद आपका फीलिंग पॉजिटिव कर दिया। फीलिंग का मतलब कि आपको अब आईएएस पीसीएस बनने से डर नहीं लगता है, आपका फीलिंग अच्छा है कि नहीं अधिकारी बनेंगे, भले थोड़ा मेहनत लगेगा लग जाएगा। अब ये बताइए आप पढ़ाई लिखाई करेंगे? अवश्य करेंगे। अब आपको हमने अपना काम कर दिया,
हमने सिलेबस पढ़ा दिया आपको, ज्ञान करा दिया कि यही सिलेबस है, हमने धीरे धीरे आपको जो इफेक्टिव कंपोनेंट आपका पॉजिटिव कर दिया, अब आप रूम पर जाएंगे तो अब आपको पढ़ने का मन अवश्य करेगा। इस बात को हम लोग बोलते हैं एटीट्यूड, नहीं गांव में कहते हैं एक बार मन तो लगाइए, एक बार मन तो लगाइए सब हो जाएगा। यही है, यही मन लगाना है कि पहले फीलिंग कर दे। जैसे किसी व्यक्ति को मान लीजिए अंग्रेजी नहीं आता है, अरे किसी व्यक्ति को मैथ नहीं आता है, छोड़िए मैथ नहीं आता है, कुछ करने की जरूरत नहीं उसको, मैथ का एकदम आराम से बोले मैथ में कुछ है आओ बताएं, देखो 1/2 + 1/3 ये देखिए, एकदम छोटा बात उसको लीजिए सिखाइए, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा धीरे धीरे उसको सिखाइए, उसका फीलिंग जो है पॉजिटिव कर दीजिए, उसके बाद मैथमेटिक्स का देखिए, कुछ दिन के बाद वो विद्वान बन जाएगा। अब अर्थ लिखिए,